जिला परिषद के अध्यक्ष बनी रेणु ललिता उपाध्यक्ष। पिछले कई दिनों से चल रही जोर जोर की राजनीति का पटाक्षेप सोमवार को हो गया। एक ओर जहां महागठबंधन की प्रत्याशी रेणु देवी जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी झटकने में कामयाब रही, तो वहीं राजद की अघोषित उम्मीदवार निवर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा अपनी कुर्सी बचाने में सफल रही। जिपाध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन उम्मीदवार रेणु देवी को कुल 22 मत प्राप्त हुए, जबकि सीता देवी को 21 मत मिले। 4 मत अवैध घोषित किए गए। इस प्रकार रेणु देवी 1 मत से विजयी घोषित। रेणु देवी की जीत की घोषणा होते ही अंबेडकर सभागार में उनकी प्रतिद्वंदी सीता देवी बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वही जिप उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। महागठबंधन उम्मीदवार अरुणा कुमारी एवं निवर्तमान जिप उपाध्यक्ष ललिता झा, जो राजद की अघोषित उम्मीदवार कही जा रही थी। मतदान के दौरान कुल 46 मत पड़े, जिसमें 2 मत अवैध पाए गए। महागठबंधन उम्मीदवार अरुणा कुमारी को 13 मत मिले, जबकि निवर्तमान जिप उपाध्यक्ष ललिता झा को कुल 31 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ललिता झा पुनः विजयी हुई। जिप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव से पूर्व डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम व चुनाव प्रेक्षक मधुबनी की डीडीसी के समक्ष सभी निर्वाचित सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद मद निषेध को भी शपथ दिलाई गई। ये आरजेडी का जीत हुआ है, ललित यादव सभी पार्षदों का जीत और सभी पार्षदों का जीत हुआ। क्या कहेंगे, अब नया दायित्व मिला है तो उसको किस रूप में निभाएंगे? जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा वो अच्छे ढंग से हम निभा करेंगे। सभी जिला पार्षद को एक समान एक रूप सदन में मान सम्मान मिलेगा और चाहेंगे जितना हो सके सरकार से डर करके जनता के ऊपर भी क्षेत्र का विकास करने का कोशिश करेंगे। कितना चलिए हो गया। अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में सदस्यता शपथ ग्रहण समारोह का चुनाव कराया गया। इस चुनाव को देखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षक के रूप में डीडीसी मधुबनी श्री विशाल राज को प्रस्तुत किया गया था। वे पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित थे और सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, सीता देवी एवं रेणु देवी। मतदान कराए जाने के उपरांत मतों की गिनती में 22 मत रेणु देवी को प्राप्त हुए, 21 मत सीता देवी को प्राप्त हुए, 4 मत अवैध पाया गया। इस प्रकार 1 मत से रेणु देवी विजयी हुई और उन्हें शपथ दिलाया गया, प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया। इसके उपरांत उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया गया। नामांकन में अरुणा कुमारी और ललिता झा ने नामांकन किया। मतदान के उपरांत मतों की गिनती में 21 मत ललिता झा को प्राप्त हुए तथा 13 मत अरुणा कुमारी को प्राप्त हुए एवं 2 मत अवैध पाया गया, यानी उस पर किसी ने मतदान नहीं किया था। इस प्रकार 18 मतों से ललिता झा जी विजयी घोषित की गई। बीच में देखा गया कि सर सुनने के बाद उनका शुगर थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि चिकित्सक बता रहे थे, तो उसके उपरांत वे थोड़ा सा वो बेहोश हो गई थी और उन्हें चिकित्सक की निगरानी में इलाज के लिए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।